सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई दिलीप राजीव, मंच के संचालनकर्ता परम प्रिय मित्र आदरणीय अमीरुद्दीन साहब, कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य नगर पार्षद हमारे भाई कैलाश पासवान जी, उप मुख्य पार्षद आदरणीय दुर्गा देवी जी, सभी नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदगण, कार्यक्रम में उपस्थित एक्सएम पार्षद मंडल जी और हमारे परम प्रिय मित्र छोटे भाई अरुण शंकर प्रसाद जी, सुमन महासेठ जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गार्जियन विशंभर कुर्वे जी, जय नारायण बाबू, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय रामप्रसाद बाबू, छोटा भाई जिलानी जी, जदयू के सम्मानित नेता शिवशंकर महासेठ जी, डॉक्टर ब्रजभूषण जी, कांग्रेस आई प्रखंड अध्यक्ष सम्मानित नेता चंद्र शाह जी, प्रखंड के प्रमुख सम्मानित सचिन सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित तो सारे लोगों को पहचान है, सारे अपने हैं, विनय सिंह जी, डॉक्टर ब्रजभूषण जी, सभी लोग अपने हैं, मैं गिनका नाम छोड़ू, मैं कुछ देर और बैठता लेकिन मधुबनी में कुछ जरूरी काम है, हमको वहां से बराबर टेलीफोन आ रहा है। सबसे पहले मैं ये जो निर्वाचित नए वार्ड पार्षद है, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। नए मुख्य पार्षद हमारे जदयू के सम्मानित नेता पासवान जी, दुर्गा देवी जी, दोनों नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद पार्षद को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना हार्दिक बधाई कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ सभी उपस्थित देवियों से जुनू मैं आप तमाम भाइयों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। बहुत सारी समस्याएं पूर्व के वक्ताओं ने जयनगर के लिए बताया है, मगर एक मेरा शिकायत और सुझाव भी है, मेरा आग्रह कि जयनगर की बैठक होती है तो आप हमको उसमें विशेष तौर पर बुलाइए। स्तुति अवसर मंडल साहब यहाँ हैं, मैं आपसे शिकायत रखूंगा कि जब कभी भी बैठक हुई है किसी बैठक की सूचना हमको नहीं दी, जब हम आपके बीच में बुलाए नहीं जाएंगे तो आपके समस्या से हम रूबरू कैसे हों। इसलिए मेरा एक आग्रह होगा कि तो मेरा राइट भी है, फिर भी मैं यहाँ के एक भाई के नाते मैं आग्रह करूँगा कि हमको सूचना होनी चाहिए और हमको आप अपने समस्याओं से रूबरू करवाइए, उसके निदान के लिए, समस्याओं के निवारण के लिए मेरे स्तर से होने वाला होगा, जिला स्तर से होने वाला होगा या सरकार के स्तर से होने वाला होगा, तो मैं आपके बीच में वादा करता हूँ कि आपकी समस्या और आपकी आवाज़ को, आपके पीड़ा को मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाने का काम करूँगा, इस बात करने वाला हूँ। दूसरी बात कि उसका निवारण सरकार के स्तर से होगा तो मैं अपने मुख्य पार्षद से यह अपील करूंगा कि आप मेरे साथ लगे रहो, आपकी जो भी समस्या है उसका एक लिस्ट बनाओ और सरकार के स्तर से कैसे कैसे उसका निवारण होगा, आप मेरे साथ पटना चले, वहाँ हम दो चार दिन रहे, हम लोग कैंप करके सरकार के स्तर से उसका निवारण जैसे भी होगा हम लोग उसका वादा हम आपके बीच में आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस बात को आप लोग। तीसरी बात है कि 2 करोड़ रुपया हमको एमएलए फंड में विकास हेतु मिलता है एक वित्तीय वर्ष में, अभी ऐसे तो एक वित्तीय वर्ष हम लोग को बीत गया लेकिन मेरा पैसा बचा हुआ है पहले वित्तीय वर्ष का, तो मैं आप लोगों से ये भी वादा करता हूँ कि हमारे जो फंड में आपके क्षेत्र में जो समस्या है, जयनगर शहर में जो समस्या है, उस समस्या से उसमें बहुत सारे कंडीशन लगा दिए हैं, आप सब लोग उसको जानते होंगे, आप सभी सजग नागरिक हैं, जिससे पहले सड़क और नाला पर एमएलए फंड का खर्चा होता था, अब उसमें रोक लग गया, हम सड़क और नाली में नहीं खर्च कर सकते हैं, जैसा सरकार का 7 निश्चय है वो आपके नगर में ही आपको इसी वार्ड कमेटी को भी पावर दे दिया गया है कि गली और नाली और सड़क आप फेक कर सकते हैं,
और उसके बाद जो भी मेरे स्तर से होगा, तो हमारे पास जो 2 करोड़ रुपया है उसका अपना जो भी शेयर है उसमें 5-10% ज्यादा करके आप हमसे ले लीजिए। पीछे साल वाला भी पैसा मेरे यहाँ बचा हुआ, आप अंधेर्ज नहीं हो गए कि पैसा तो आपका खर्च क्या हो गया, नहीं, पिछले साल वाला भी पैसा मेरा बचा हुआ है, इस साल का तो पूरा पैसा बचा हुआ। आप एक दिन हर को जो 10 प्रमुख आदमी है या वार्ड पार्षद लोग जो जीते हैं ये लोग बैठे, मुख्य पार्षद बैठे, कैलाची हमको बुला ले और बुला करके हमसे जो भी उसमें आपको जितनी अपेक्षा है उससे मैं 10% ज्यादा आपके भावना का कदर करूंगा। कहीं आपको कोई अनादर आपके जज्बात को हम ठेस नहीं लगने देंगे, इस बात का वादा मैं इस मन से करता हूँ। और जो भी समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, जहां से जिसका निदान होगा हम दुख करते हैं, हमको आप लोग खोजते नहीं, हम आपके सौते ले नहीं, मेरे हृदय में कहीं आपके प्रति कोई निरादर नहीं है। कोई शादी विवाह होता है शहर में, एक में भी है वो नौता हकार नहीं मिलता है, क्या हम आपके नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप नहीं लेंगे, मैं हृदय से बोल रहा हूँ, ये मेरा भावना, मैं भाव विवल होकर के बोल रहा हूँ। आप गले लगा के तो देखो, मैं 1.5 साल के दरमियान में किसी व्यापारी के लिए या जयनगर शहर के लिए मैं कहीं समस्या बना हूँ तो मैं आपके खटखरे में खड़ा हूँ, आप शिकवा शिकायत हमसे कर सकते, मैं कहीं कहीं के लिए कहीं कोई समस्या नहीं बना हूँ, लेकिन आप हमको छांट के क्यों चलते, आप कहेंगे छांटते नहीं। अब सवाल सबूत और प्रमाण का नहीं, मैं हृदय से बोल रहा हूँ, मेरा हृदय बोल रहा है, इसलिए खुदा देखने की नहीं अनुभव करने की चीज है। आप अनुभव करिए, मौका दीजिए, आपके सेवा में हाजिर रहूंगा, आपके दरवाजे पर चौकर पर लाठी लेके पहाड़ा करते रहूंगा, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि भेद हो तो आप हमें खड़े चौराहे पर आप हमको फटकार सकते हैं, आप हमको तिरस्कृत कर सकते हैं, क्योंकि आप मेकर है, बनाने वाले हैं, आपको यह राइट, आपको यह अधिकार, मैं आपका हूँ, आपका रहूंगा, इस बात का वादा मैं भरी महफिल में करता हूँ। कहीं हम आपसे अलग नहीं है, कहीं हम आपसे अलग नहीं रहेंगे, न रहे हैं, न रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप आए हुए तमाम नेताओं का, नए वार्ड पार्षद का